नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप पाल सिंह और आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्थात घुटने की जो प्रॉब्लम है जिसमें ग्रीस कम हो जाती है, उसमें हमारे को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ का ध्यान रखें कि हम लोगों को जो सा है सबसे पहले अपने वेट का वजन का कम करना है, जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा अपनी डाइट में अच्छे फैट्स जो गुड फैट्स हैं उनको कंज्यूम करना है हम लोगों को। और तीसरा जो सा है हमारे को रिड्यूस स्ट्रेस, मतलब हमारे अंदर जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इस तरह के सिम्टम्स को रिड्यूस करना है ताकि हमारा फिजिकल और जो मेंटल एग्जर्शन है वो किसी लेवल पे कम हो सके। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है इसमें, तो वो भी मैं आगे आपको इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि फ्रूट्स जो डाइट में है, फ्रूट्स कौन कौन से खाने चाहिए। तो बनाना जितने हैं, केला पोटाशियम का अच्छा सोर्स है, मसल को रिलैक्स करता है, तो एक केला खा सकते हैं। ब्लूबेरीज, रेसबेरीज जिसको रसबेरी कहा जाता है, स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी और साथ में शहतूत जिसको बोला जाता है ब्लैकबेरी, ये बहुत अच्छे हैं। जितनी बेरीज हैं इसमें हेल्प करती हैं, पॉमग्रेनेट, अनार, एप्पल, सेब, इसके अलावा ग्रेप्स, डेट्स जिसको खजूर बोला जाता है, कोकोनट, आम, मैंगो जोंस है और गुआवा अमरूद, ये वो फ्रूट हैं जो हमारे इसमें हेल्प करते हैं। फिर बात करते हैं, कई लोग इसमें रिकमेंड करते हैं कि कीवी भी खाना चाहिए। कीवी एक अच्छा फ्रूट है जिसमें पोटेशियम अच्छा होता है, तो ये भी हमारी मसल के स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। फिर जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे ऑरेंज जिनमें विटामिन सी है, जो खट्टे हैं उनका सेवन करना चाहिए। ग्रेप फ्रूट जिसको चकोतरा बोलते हैं वो खा सकते हैं, लेमन है, पपाया है, इस तरह की चीज़ें आप सेवन कर सकते हैं। ये हैं वो फ्रूट्स जिनका मैंने आपको नाम लिया जो हमने खाने हैं। फिर आता है सैलड, तो सैलड्स में जो कुकम्बर है वो खा सकते हैं, खीरा जिसको बोला जाता है, गाजर है, चुकंदर है, शक्करकंदी है और इसके अलावा जो प्याज है, तो ये वो चीज़ें हैं शक्करकंदी, प्याज, गाजर जो हमारे आम रोज़मर्रा की चीज़ों में यूज़ होती हैं और ये इसके लिए हेल्पफुल है क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में होते हैं जो हमारी टूट फूट को रोकते हैं। इसके अलावा बात करें वेजिटेबल्स की, क्या सब्जियां खानी है, क्या सब्जियां नहीं खानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पालक है, सरसों है, मूली है, ये सब चीज़ें हम लोग खा सकते हैं। कैबेज है जिसको हम गोभी बोलते हैं, पत्ता गोभी वो खा सकते हैं। स्प्राउट्स आजकल मार्केट में मिल जाते हैं, अंकुरित गेहूं वगैरह मिल जाते हैं वो खा सकते हैं। ब्रोकोली है आजकल सर्दियों के सीजन में, बाद सर्दियों का सीजन आएगा तो वहाँ पे मिलेगी। और बीन्स हैं, जितनी लेंटिल्स हैं, दालें हैं वो सब अच्छी हैं। और किनोवा है, ओट्स हैं, ओट्स आजकल लोगों में बड़ा प्रचलन है ओट्स खाने का। इसके अलावा सीरियल्स, कॉर्न्स और राइस, ब्राउन राइस जो भूरे कलर के राइस होते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। मिलेट्स, हैम्प जिसको भांग का पौधा बोला जाता है, उड़द की दाल, काला चना, ये सब चीज़ें अच्छी हैं जो खाई जा सकती हैं, ली जा सकती हैं। होल व्हीट ब्रेड भी आप खा सकते हैं, ये भी डाइट में एक अच्छा पार्ट प्ले करता है। बारले जौ को ले सकते हैं, सदाबहार ये भी ले सकते हैं। कुछ लोग मैं बात करना चाहूँगा जो नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए हम लोग रेकमेंड करते हैं कि फिश, फिश में ऑयल होता है, खासकर जो उनसे सैलमन फिश है, टूना फिश है और साथ में सार्डाइन्स है, ट्रॉट है, मैकेरल है, ये अच्छी फिशेज हैं जो अच्छा मांस होता है जिनमें ऑयल अच्छा होता है और ऑयल का अच्छा यूज़ किया जा सकता है घुटनों के लिए। कई लोग इसके कैप्सूल भी खाते हैं जो येलो रंग के कैप्सूल आते हैं, फिश ऑयल के कैप्सूल यूज़ करते हैं, अच्छे रहते हैं वो। लीन मीट, पतला मांस जो है, पतले जानवर का मांस जो है, उसके अलावा आप सी फूड खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, टर्की खा सकते हैं। क्या चीज़ नहीं खानी मांस में, वो है रेड मीट। रेड मीट हर हिसाब से खराब है, आपके घुटनों के लिए भी खराब है और आपके खासकर जो हर्ट है उसके लिए भी खराब है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। फिर आता है ड्राई फ्रूट्स, कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स खाएं, तो सेवन के लिए अखरोट है, बादाम है, ये अच्छे हैं। अखरोट और बादाम में अच्छी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा मूंगफली का भी प्रयोग किया जा सकता है, कई लोगों को मूंगफली अच्छी लगती है तो मूंगफली का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है कुछ हर्ब्स, हर्ब्स में आता है हनी, शहद एक अच्छा है, शहद को आप माउथ से लें, इवन चूने में मिक्स करके आप उसको घुटने पर लगाएं तो भी वो उसमें अच्छी हेल्प करता है। इसके अलावा इंडियन फ्रैंकाइनिस बोलते हैं जिसको शल्लकी बोलते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अदरक है उसका यूज़ किया जा सकता है, जिंजर होगी और आपका टर्मरिक हो गया, हल्दी होगी, आंवला हो गया, गुड़ुची होगी और आप जो अदरक है उसके साथ गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो सा है बोसवेलिया जो सा है जिसको हम आमतौर पे शलकी बोलते हैं उसका यूज़ किया जा सकता है, और जो मुलेठी है इसका यूज़ किया जा सकता है, निरगुंडी है, गुगुल है, कैप्सिकम है, हरड़ है, अश्वगंधा है, एक बाघ नख बोलते हैं डेविल्स क्ला, इसका भी यूज़ किया जाता है आमतौर पर पंसारी में मिल जाएगी। कैट्स क्ला भी बोलते हैं इसको, विल्लो बार्क, जलवेतस एक प्लांट है, इसकी जो बार्क मिलती है उसका यूज़ किया जा सकता है। एलोवेरा, रॉज हिप जिसको शतपत्री बोलते हैं, और
थंडर गॉड वाइन एक चाइनीज प्लांट है, थंडर गॉड वाइन, इसका एक्सट्रैक्ट मिलता है चाइना में, इसका काफी यूज किया गया, वो आप यूज कर सकते हैं। ड्रिंक्स की बात आती है तो बेकिंग सोडा आप यूज कर सकते हैं, बेकिंग सोडा में वाटर मिला के इसका यूज किया जा सकता है। ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट सभी तरह की टी एंटीऑक्सीडेंट से प्रचुर मात्रा में भरी होती है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक कॉफी ग्रेन्स, ब्लैक कॉफी को आप पीस के किसी भी तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, वो भी हेल्पफुल है। डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क हो गया, दूध हो गया, चीज हो गया, पनीर हो गया, योगर्ट होगी, योगर्ट आजकल आम मिल जाते हैं, टोफू पनीर जो सोयाबीन से बनता है वो ले सकते हैं, बटर मिल्क जिसको छाछ बोलते हैं वो लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करूं कि क्या नहीं लेना, केजिन प्रोटीन, जैसे दही है, दही में केजिन प्रोटीन होता है, इसको अवॉइड कीजिए आप उनसे। और विटामिन डी से रिच जितना खाना, विटामिन डी पे हमने अलग एक वीडियो बनाने की, विटामिन डी किन पदार्थों में होता है, तो विटामिन डी से प्रचुर चीजों का यूज करना है। ऑयल्स खासकर तलने के लिए, अपनी चीजों को बनाने के लिए कौन से घी तेल का यूज करना है, तो घी में आप गाय का घी यूज करिए, तेल में कैनोला यूज कर सकते हैं, ऑलिव का ऑयल यूज कर सकते हैं, ये दोनों ही अच्छे रहते हैं। अब क्या है कि क्या चीजें हम लोगों ने नहीं खानी, अब आप देखेंगे कई लोगों को सॉल्ट बड़ा पसंद होता है, तो सॉल्ट को जितना अवॉइड कर सकते हैं, सॉल्ट, ब्लैक और साथ में अल्कोहल, अल्कोहल के लोग बहुत शौकीन होते हैं, कई रोज अल्कोहल इसको यूज करते हैं, तो सॉल्ट जितनी कम मात्रा में लेंगे उतना ही अच्छा है। आयोडाइज सॉल्ट लें, कम मात्रा में लें, कई लोगों को सेंधा नमक लेना होता है वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में लें, और साथ में जो सा है अल्कोहल की कंजम्पशन मिनिमम रखें। तो ये सब चीजें जो मैंने आज आपको डिस्क्राइब की, ये वो चीजें हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं अपने घुटने की ग्रीस, जिन लोगों की कम हो रही है, घुटनों में दर्द रहता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम रहते हैं, उसमें ये डाइट आपको चूज करनी है। अभी मैं आने वाले वक्त में आगे जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें ये बताऊंगा कि जो मैंने आज आपको हर्ब्स गिनाई हैं, जो चीजें बनाई बताई गई हैं, उनको कैसे कैसे यूज करना है, ताकि उसको डिटेल्स में हम आगे स्टडी करेंगे। धन्यवाद।